बढ़िया लग रहा है, इधर आप लोग भी आइए, बहुत बढ़िया लग रहा है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। फ्रेंड्स, आज मैं जा रहा हूँ करहल स्विमिंग पूल का फुल रिव्यू करने। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं, दिखाते हैं आपको। जैसा कि मैंने हाईवे क्रॉस कर दिया, ये लखनऊ वाला हाईवे है, तो हाईवे मैनपुर साइड से आते हैं तो आपको लखनऊ हाईवे क्रॉस करने के जस्ट करीब आधा किलोमीटर दूरी पे ये आपको शिव रिसोर्ट देखने को मिलेगा। ये स्विमिंग पूल वहीं पे बना हुआ है, ये मैरिज होम बना था, मैरिज होम के अंदर ही बना हुआ है। तो फ्रेंड्स जैसा कि अब हम पहुंच चुके हैं शिव रिसोर्ट, मैं अपनी गाड़ी करूंगा पार्क और फ्रेंड्स ये हर एक जानकारी बताऊंगा यहाँ का क्या कुछ फैसिलिटी है, कितनी फ़ीस लगती है। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैं हूँ बाहर और यहाँ से आप लेंगे सबसे पहले टिकट। एंट्री फ़ीस है यहाँ की 200 रुपये और बच्चों की एंट्री फ़ीस है 150 रुपये। तो सबसे पहले एंट्री करते हैं। एंट्री करने से पहले आपको एक चीज़ का विशेष ख्याल रखना होगा, आप अगर आपके पास कीमती सामान है तो आप अपना यहाँ से लॉकर ले लीजिए, लॉकर के लिए सिक्योरिटी जमा कर दीजिए, वो सिक्योरिटी आपको बाद में मिल जाएगी। तो यहाँ से सबसे पहले लॉकर लीजिए, लॉकर के लिए आपको ताला मिलेगा। तो अंदर चल के मैं आपको लॉकर भी दिखाऊंगा और फ्रेंड्स चलिए चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स जो मैंने 200 रुपये एंट्री फ़ीस की बात की थी, वो एक घंटे का 200 रुपये लगता है। और फ्रेंड्स थोड़ा आगे बढ़ के ही आपको ये देख सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे एक विशेष ख्याल जरूर रखिएगा, यहाँ पे जैसे अगर तम्बाकू वगैरह और बीड़ी सिगरेट कुछ भी आप एक्स्ट्रा सामग्री अगर स्विमिंग पूल के अंदर करते हुए पकड़े गए तो आप पे 500 रुपये का जुर्माना भी लगेगा। अब मैं बात कर रहा था लॉकर की, तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं और लॉकर दिखाते हैं आपको। तो लॉकर जहाँ से आप लॉकर में सामान रखते हैं वहीं पे आपको ज़मीन पे डले हुए स्विमिंग कॉस्ट्यूम भी मिलेंगे, वो पहन के आप नहा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये ज़मीन पे स्विमिंग कॉस्ट्यूम डले हैं तो गीले होते हैं, तो वो पहन के नहा सकते हैं आप अगर आपका मन हो तो। फ्रेंड्स ये देखिए और फ्रेंड्स ब्लॉग पूरा देखिए, बहुत मज़ा आएगा। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं इसी तरीके की वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। देख सकते हैं आप, तो आप लोगों को कैसा लग रहा है यहाँ पे नहाते हुए? भैया कैसा लग रहा है आपको नहाते हुए? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आनंद आ रहा है मेरे को। फिर आना चाहोगे? यस यस, फिर आना चाहेंगे। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ कुछ भैया लोग खड़े हैं, ये देखिए भैया, बहुत बढ़िया लग रहा है, इधर आप लोग भी आइए, बहुत बढ़िया लग रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये देखिए थोड़ा दिखाते हैं आपको। तो फ्रेंड्स ये देखिए, तो आप देख सकते हैं फुल मस्ती करते हुए। दो घंटे हो गए नहाते नहाते? आराम से, दो तीन घंटा और नहाने की जरूरत ना है। अच्छा, दो तीन घंटा और नहा लियो? बिल्कुल। फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं, ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे भाई लोग हैं, कुछ नहा रहे हैं। और फ्रेंड्स ये देखिए, ये देखिए,
ये देखिए भैया खड़े हैं, ये देखिए गार्ड साहब हैं। और फ्रेंड्स ये ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं इसी तरीके का ब्लॉग लाता रहूँगा। और फ्रेंड्स आप कहाँ का ब्लॉग देखना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं वहीं का ब्लॉग बनाऊंगा। और फ्रेंड्स मुझसे जुड़ने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर सकते हैं, मेरी आईडी है ERSachinMPI। और फ्रेंड्स थोड़ा आगे बढ़ के आप यहाँ से जैसे ही लिख लेंगे आपको यहीं पर आपको एक कैंटीन देखने को मिलेगी, तो ये है कैंटीन, यहाँ पर आपको खाने पीने का सामान।